वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए आर्टिकल है, विजिलेंस डिपार्टमेंट रिकवर्स 3 करोड़ कैश फ्रॉम ओडिशा ऑफिसर हाउस। ठीक है, यहाँ पे विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 3 करोड़ रुपए जो है कैश को रिकवर किया है उड़ीसा के जो ऑफिसर है उनके घर से। ठीक है, यहाँ पे विजिलेंस डिपार्टमेंट, देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसको विजिलेंस डिपार्टमेंट भी कहते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग। देखिए इसका जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में की गई। इस आयोग के गठन की सिफारिश संथानम समिति द्वारा की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, संथानम समिति द्वारा की गई थी। ये आयोग संविधिक दर्जा प्राप्त एक बहु सदस्यीय संस्था है, संविधिक दर्जा प्राप्त। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आयोग केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने की सलाह भी देता है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा वर्ष 2003 में पारित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इसे राष्ट्रपति ने 11 दिसंबर 2003 को स्वीकृति दी थी। आयोग की संरचना आपको जानकारी होना जरूरी है। एक अध्यक्ष, इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होते हैं दो सदस्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, सॉरी एक अध्यक्ष व दो सतर्कता आयुक्त होते हैं, यानी टोटल 3 होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। किसके द्वारा, एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। 3 सदस्यीय समिति कौन सी है, जिसमें प्रधानमंत्री है, लोकसभा के विपक्ष के नेता है और गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, तो उनकी सिफारिश पर आयोग के अध्यक्ष और 2 सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति होती है। उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु, जो भी कम हो। ठीक है, 65 वर्ष की आयु या 4 वर्ष। अवकाश प्राप्ति के बाद, देखिए अवकाश प्राप्ति के बाद आयोग को केंद्र तथा राज्य किसी भी पद के योग नहीं समझा जाता है। क्यों नहीं समझा जाता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा।